एक और प्रोपेगेंडा उड़ाया जा रहा है। ग्राम स्वरोजगार पोर्टल पर लगाया हुआ है कि लाइट मेरे पंचायत में 25-30 लाख का लगा। मैं बता देना चाहता हूं कि लाइट 15 लाख में 400 लाइट लगा है। साथियों, कुआं का बात आता है कि 30 लाख का कुआं बना। साथियों, एक पैसा कुआं के लिए नहीं निकला है, वो एक योजना प्लान है जो पोर्टल पर दिखाई पड़ रहा है। साथियों, डस्टबिन का भी चर्चा चल रहा है कि 22-25 लाख का डस्टबिन आया। साथियों, ये बता देना चाहते हैं कि 11 लाख का डस्टबिन ई रिक्शा सहित आया है, घर घर तक पहुंचेगा। थोड़ा काम हुआ था, आचार संहिता लग गया है, एक एक लोग को मिलेगा और उसका सुविधा। स्वच्छता पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, जो सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है, हम लोग भी ध्यान देंगे। शहर बना के रखेंगे पूरे पंचायत को, बच्चे को पढ़ा के रखेंगे, बच्चे को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे। जहां पर्सनल स्तर से भी किसी को पढ़ाने में कोई जरूरत पैसा की है, हम लोग भी एवल हैं कि पैसा से भी उसको मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अपील करना चाहते हैं, भ्रमित नहीं हो और वोट अच्छे आदमी। आप देख रहे हैं बिट न्यूज बिहार, मैं हूँ आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाक सच के साथ। लोकतंत्र का महापर्व और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का 10वां चरण 8 दिसंबर को बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जनसैलाब में पूरी ताकत झोंक कर पंचायत का दौरा कर रहे हैं। हम अभी हम गोधना पंचायत में मौजूद है और गोधना पंचायत बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र का अंतिम हिस्सा कहा जाता है और अंतिम हिस्सा है भी। और हमारे साथ गोधना पंचायत के निवर्तमान मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रत्याशी सुमंत कुमार मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पंचवर्षीय कार्यकाल में गोधना पंचायत में क्या विकास कार्य हुआ और उस विकास कार्य पर आप आम आवाम मतदाता के बीच जो मजदूरी मांग रहे हैं, क्या वह मजदूरी मिलेगी या फिर परिवर्तन की दौर गोधना पंचायत में देखने को मिलेगी। 100% बीटी न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद बीटी न्यूज और दीपक जी को जो महत्वपूर्ण समय इस कार्यक्रम में अपने को दिया है। साथ ही मैं ये पूरे पंचायत वासियों के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे पंचायत वासी हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व में भाग लें और इसको पर्व के रूप में मनावें, निर्भय होकर अपना मतदान करें। साथियों, मैं अपील करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, जितने पद पर जितने भी वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया के उम्मीदवार हैं एवं जिला परिषद के भी उम्मीदवार हैं, तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि इसको पर्व के रूप में मनावें और गोधना पंचायत की गरिमा को देखते हुए, गरिमा को रखते हुए अपनी बात को भाषा शैली में रखें और संयम से अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करें एवं मतदान के लिए लोगों को जागरूक करें। जो जिनको मतदान देना है वो स्वेच्छा से अपना अपना मताधिकार का प्रयोग निर्भय होकर करें और अपने दिल पर हाथ रख के तमाम पद के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको एक मतलब बर्तुहारी करके सभी को ऊपर से नीचे तक देखें कि क्या उनका करेक्टर रहा है, क्या इतिहास रहा है, क्या आगे करने वाले हैं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। सभी पद पर जितने भी अच्छे उम्मीदवार हैं उनको जिताने का काम करें, तभी मेरा पंचायत ऊंचाई तक पहुंचेगा और इस पंचायत की गरिमा बचेगी। पहले पंचायत सर्वोपरि है, पंचायत के जनता भगवान होते हैं लोकतंत्र में और वो पंचायत के जनता को निर्णय लेना है कि 5 वर्ष के लिए जो अच्छा शासन होगा आगे उसके लिए अच्छे लोगों को चुने। मैं ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी बहकावे में न आकर के और अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं करेंगे तो 5 साल नहीं 50 साल पीछे चला जाएगा मेरा पंचायत। मैं इसको तपस्या के रूप में, कठिन चुनौती के रूप में, जब मेरी पत्नी हुई थी 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो मैंने इसको संभालने का प्रयास किया और उसी टाइम भ्रष्टाचार और अपराध पर काबू पाया था। तमाम जद्दोजहद के बाद अपार जनसमर्थन मिला था और जनसमर्थन के बल पर ही मैंने इस पंचायत को बचाने का काम किया है, सभी का इज्जत किया है, सभी का सम्मान किया है, तपस्या किया हूँ। साथियों, एक बात कह देना चाहता हूँ,
कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में एक एक वोट का बढ़तुहारी करके यदि आप वोट नहीं गिराएंगे तो दिन ब दिन फिसलते चले जाएंगे और इस बच्चे का भविष्य, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे का कोई भी यदि भविष्य बनता है तो वो गार्जियन उसके अग्रणी होते हैं, और अग्रणी गार्जियन के रूप में यदि अच्छे लोग अच्छे लोगों को मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से गार्जियन का काम करें और बच्चे को आगे भविष्य के लिए कलम का सिपाही बनावे, गलत में झोंकने का काम नहीं करें। गार्जियन से भी मैं नम्र निवेदन और अपील करता हूं। साथियों, साढ़े छह साल यानी पांच साल आपका, डेढ़ साल पत्नी का, उनका कार्यकाल, आपका भी समापन हो गया, उनका भी समापन हो चुका है। आपके कार्यकाल लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं कि आपने इस पंचायत में कोई विकास का कार्य नहीं किया, जो भी किया उसमें धड़ल्ले से धांधली की गई, इस पर आपका क्या कहना होगा? साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पंचायत में एक ही अकेला प्रत्याशी मैं हूँ, जो 4-5 बीघा जमीन मेरे पूर्वजों ने दान किया है, अमूल्य जमीन, मैं उनका अनुयायी हूँ, शिष्य हूँ, सुरेंद्र बाबू उमेंद्र बाबू का शिष्य हूँ और मैं उनका खानदान का वारिस भी हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सांच में आँच नहीं होता है। रानी में मैंने हाई स्कूल में जमीन दिया 3.5-4 बीघा, तो उसका परिणाम मिला कि सरकार के तरफ से सुरेंद्र के नाम से मेरे रानी उच्च विद्यालय का नाम पड़ा और लड़ाई चली हाईकोर्ट में भी, उसमें भी डिग्री हुआ है। साथियों, पंचायत सरकार में 15 कट्ठा जमीन दिया गया, दूध समिति में 2 कट्ठा दिया गया, स्कूल में 5 कट्ठा दिया गया, 2 कट्ठा जमीन दिया गया हॉस्पिटल के लिए, तमाम रूप से हमने जमीन दान करने का काम किया है। शायद कोई प्रतिद्वंदी ऐसे नहीं है कि एक धूर जमीन अभी अपने आप दान कर सकते हैं। सब अपने अपने फेरे में लगे हुए हैं कि कैसे जमींदार मैं बन जाऊं, बड़ा जमींदार बन जाऊं। साथियों, एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पंचायत सरकार भवन जब बना तो गोधना पंचायत में बना और गोधना पंचायत का जमीन था, भले वो अथी में अंचल के हिसाब से या जो भी हो रानी मौजा में पड़ता है, लेकिन गोधना के लोगों ने दान किया है और गोधना पंचायत का गोधना पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, स्कूल गोधना का भवन। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे एक प्रतिद्वंदी ने कहा कि रानी का है पंचायत सरकार भवन, क्या रानी को लोगों ने रानी स्कूल में दान नहीं किया उतना, इसलिए रानी का भी हम लोगों ने हाई स्कूल का काम किया बनाने का और बनवाने का मेरे पूर्वजों ने किया। तो पंचायत सरकार भवन में जो करोड़ों रुपये की जमीन मैंने दिया वो रानी का हो जाएगा? गोधना पंचायत के लिए दान किया गया है और सरकार से लड़ करके फिर एक बार गोधना पंचायत के लिए हम लोगों ने लड़े हैं और गोधना का ही रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। गोधना की संपत्ति को बेचने वालों आंखें खोल लो, वो गोधना का है, रानी का हो नहीं सकता है। दूसरी बात, एक प्रतिद्वंदी कहते हैं कि मैंने गोधना में दरगाहपुर में स्कूल बनाया, उसी जमीन में स्कूल हो गया गोधना दरगाहपुर का, पंचायत सरकार हो गया रानी का, ये एक प्रोपेगंडा है। साथियों, एक और प्रोपेगंडा उड़ाया जा रहा है, ग्राम स्वरोजगार पोर्टल पर लगाया हुआ है कि लाइट मेरे पंचायत में 25-30 लाख का लगा। मैं बता देना चाहता हूं कि लाइट 15 लाख में 400 लाइट लगा है। साथियों, कुआं का बात आता है कि 30 लाख का कुआं बना, साथियों एक पैसा कुआं के लिए नहीं निकला है, वो एक योजना प्लान है जो पोर्टल पर दिखाई पड़ रहा है। साथियों, डस्टबिन का भी चर्चा चल रहा है कि 22-25 लाख का डस्टबिन आया। साथियों, ये बता देना चाहते हैं कि 11 लाख का डस्टबिन ई रिक्शा सहित आया है, घर घर तक पहुंचेगा। थोड़ा काम हुआ था, आचार संहिता लग गया है, एक एक लोग को मिलेगा और उसका सुविधा स्वच्छता पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, जो सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है, हम लोग भी ध्यान देंगे। शहर बना के रखेंगे पूरे पंचायत को, बच्चे को पढ़ा के रखेंगे, बच्चे को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे, जहां पर्सनल स्तर से भी किसी को पढ़ाने में कोई जरूरत पैसा की है, हम लोग भी एवल हैं कि पैसा से भी उसको मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए एक अपील करना चाहते हैं, भ्रमित नहीं हो और वोट अच्छे आदमी। साथियों, अभी लोग कहते हैं कि मैं ही सड़क बनाया, मैं ही पोल गाड़ा। साथियों, ये बता देना चाहते हैं कि आपने जमीन दिया तो सड़क बना, जिस आदमी का जमीन निजी है वो जमीन देगा तभी ये सड़क बनेगा, सरकार का रूल है, समझा के बुझा के जैसे हो उसको प्रेरित करके बनाया जाता है। तमाम तरह के जितने भी कार्य थे हमने पूरा किया है, लाइट हो, सड़क हो,
जहाँ जहाँ पानी जमता था नाला बनाया है हमने, और तमाम तरह की जितने भी कठिनाइयों था उसको दूर करके साथियों मैंने अंतिम प्रयास करके पंचायती में भी किसी को थाना पुलिस के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाने से अंतिम प्रयास किया है बचाने का, एक्का दुक्का को छोड़ करके। साथियों मेरा ही ये कहना है कि जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, वो आपस में लड़ करके कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर में नहीं पड़े और एक दूसरे से समन्वय बैठा करके ये काम को पूरा करें कि आपस में बात कर लें कि कोई भी बीच में यदि बिचौलिया रहता है पंचायती में तो वो गलत बहकावा बना करके इधर का बात उधर करता है। इस बात पर पूर्ण विराम लगा करके मैंने सभी को बैठाया और अपने से प्रणाम करके नम्र निवेदन करके उनको गले में गला मिलाने का काम भी किया हूँ। साथियों भ्रष्टाचार मुक्त तो नेट टू नेट हमारे स्तर से बंद होने का प्रयास हुआ है, इसमें इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, तमाम तरह के जितने भी हो, यहाँ तक कि हमारा जब पंचायत पत्नी बनी थी मुखिया उससे पहले हमको आश्चर्य होता है कि जन्म मृत्यु में 1500 लिया जाता था, पेंशन में 1000-2000 लिया जाता था, कार्ड में 1000-2000 लिया जाता था। साथियों पिछले दिनों सुना होगा आपने कि एक मुखिया जी कहते हैं कि मैंने कार्ड बेच दिया किसी की, जो आप गरीब वाला कार्ड अमीर को दे दे। साथियों इसी का नतीजा है कि बहुत गरीब लोग छूट गए उस समय कार्ड में, जब मुखिया को पावर था कि कार्ड बनाने में उसी की भूमिका थी। अभी मुखिया का कोई भूमिका नहीं है, वो बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम से बनता है और एसडीओ साहब के यहाँ से निर्गत होता है, मेरा कोई उसमें रोल ही नहीं है। साथियों आवास में जहाँ तक संभव हुआ मैंने पारदर्शिता का काम किया है, और सबसे बड़ी बात कि मैंने विरोधी किसी को नहीं माना, चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद एक एक बच्चे भी मेरे अपने हैं, चाहे किसी जाति से हो, किसी पार्टी से हो, किसी गांव से हो, अपने स्तर से मैंने भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया है। अब सभी लोगों को तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी खुश नहीं कर पाते हैं, भगवान भी खुश नहीं कर पाते हैं, तो मैंने अपने स्तर से अंतिम प्रयास लगा दिया है, जो छूटा बड़ा काम है वो भी होगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होगा और इज्जत के साथ काम होगा हर एक जगह। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, खास अपील पूरे गोधना पंचायत वासियों के लिए, यहाँ पर एक गांववाद का भी नारा लगाया जाता है, गोधना पंचायत के नाम से गोधना का नाम है, यदि मैंने गोधना को ऊंचाई पर रखा है तो आपके बदौलत रखा है, और ऊंचाई पर गोधना ही जाता है, कोई दरगाहपुर नवादा नहीं है पंचायत का नाम, पंचायत का नाम गोधना है और गोधना दरगाहपुर और नवादा उसके दो अंग है, इस बात से पूरा पूरा वाकिफ रहे आप लोग। एक और नम्र निवेदन है कि एक बात का तो जरूर ध्यान रखें, जो इज्जत प्रतिष्ठा वाला लोग है, जो खानदानी है, वही आपकी प्रतिष्ठा को समझेगा, वही प्रतिष्ठा देगा और वही प्रतिष्ठा जीवन भर देते रहेगा। साथियों यहाँ तलवार और प्रणाम की लड़ाई है, एक बात पूरे पूरे आर पार है कि तलवार और प्रणाम में लड़ाई है, प्रणाम जीतता है तो आप जीतते हैं, तलवार जीतता है तो अपराध जीतता है। काम की मजदूरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मेरा ये कहना है कि मैं इस बार खरा अपने नहीं हुआ हूँ, क्योंकि जनता ने अपार समर्थन के साथ मेरी पत्नी को मुखिया बनाया, हमें मुखिया बनाया, अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी दूर दूर तक। कुछ गरीब लोग मेरे यहाँ आए, जब मैंने घोषणा किया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कुछ गरीब लोग आए, जो आप ही पंचायत को इस बार बचाइए, इस बार बचा दीजिएगा तो पंचायत पूरा बच जाएगा और अपराध में नहीं जाएगा, दारू के बोतल में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने हाँ कह दिया है। अब गरीब लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिसके लिए हम खड़ा हुए हैं, सिर्फ वो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था, इसलिए गरीब जनता जाने कि उसके सुविधा में कोई कमी रहा तो मुझे वोट नहीं दे। यदि उसके लिए सतत प्रयास, मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ गया, उप मुख्यमंत्री के यहाँ गया, डीएमएसपी के साहब के यहाँ बात रखा, ये दुनिया जानती है, ये पूरे जिला जानता है, मुखिया संघ जानता है कि हमने लड़ाई लड़ा है, लेकिन मेरा जो अधिकार है, पहले जो मुखिया का अधिकार था उससे बहुत छोटा कर दिया गया है हम लोग को, उससे चार आना भी अधिकार नहीं है, सिर्फ हम लोग पर ढिंढोरा पीटा जाता है, यदि दोषी है तो सरकार 12 आना से ज्यादा दोषी है,
कि कार्ड नहीं मिला, किसी को और कुछ नहीं मिला, तमाम तरह की जो भी आवास कहीं गरीब को नहीं मिला उसके लिए संघर्ष मैंने किया है, उसका परिणाम है कभी अंत्येष्टि नहीं मिलता था। हमने मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के निवेदन करके वो मेमोरेंडम दिया, रुदौली मुखिया जी भी साथ थे, मेमोरेंडम दे के उसका भी काम कराया कि ऑनलाइन सिस्टम से अब वो पेमेंट होता है। पहले 50 मरते थे तो 15 का आता था साल भर में, और अभी ये हो गया है कि आप लोग मरेंगे, जो लोग 3000 यदि मिलता है तो उसके लिए आप लोग आवेदन देंगे, महीना भर के अंदर पेमेंट आ जाता है और उसके बाद उसको देना है। लेकिन हमने ऑन स्पॉट देने का काम किया है, हर एक स्तर का सुविधा, हर एक स्तर का जो भी अपने से गरीब लोग को मदद करना है वो भी हम सतत प्रयास करते रहे हैं समाज के लिए। साथियों, मैंने ये पंचायत के फंड का विकास नहीं किया है, मैंने पूरे हर एक स्तर से सांस्कृतिक विकास किया है, सामाजिक विकास किया है, और तमाम तरह के जितने भी शिक्षा के लिए प्रयत्न करना है, जितने भी गार्जियन यहाँ हैं, रात दिन हमने इसी काम के लिए पूरा प्रेरित किया है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, दूसरे पर मत ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, आपका भविष्य बनेगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके पंचायत का नाम रोशन होगा, आपके जिला का नाम रोशन होगा। प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि सात निश्चय योजना, मनरेगा जैसी कई योजनाओं में इस पंचायत को 8 करोड़ रुपए दिया गया, लेकिन उसमें 8 योजनाओं पर धरातल में काम नहीं हुआ। यदि विकास हुआ तो सुमंत जी के पर्सनल लाइफ का विकास हुआ, लेकिन पंचायत का नहीं विकास हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों, कोई कह दे कि आवास में, शौचालय में, पेंशन में, जन्म मृत्यु में उसके घर तक सुविधा नहीं पहुंचता है तो जो कहेंगे सिरोधार है हम पर। दूसरी बात, मनरेगा की जो स्थिति है बिहार सरकार की, वो स्थिति बहुत ही लचीला है, ये स्थिति उसमें कुछ परेशानियां हैं, ठेकेदार मुहैया करा दिया गया है, हम लोग को मजबूर कर दिया गया है ठेकेदार के माध्यम से काम करने के लिए, नहीं तो विकास हो ही नहीं सकता है। और उसमें भी 2 करोड़ समथिंग सेड लेके अभी तक खर्च हुआ है, मात्र 2 करोड़ के अंदर खर्च हुआ है। 7 निश्चय में 2.25 करोड़ रुपया आया था, 7 निश्चय में 2.25 करोड़ का काम हुआ है, 1 करोड़ रुपया मात्र 1.25 करोड़ पंचायत फंड में आया है। तो इसी में हम लोग को एक नंबर काम करके, अच्छा काम करके, मैंने काम भी किया है तो वार्डर को और जनता को बजाबते जाके कह दिया है कि आप जितना अच्छा से काम कराना है उतना अच्छा से काम कराइए, कोई तरह का कोताही नहीं बरतना है, हर एक स्तर से आप लोग अपने स्तर से खड़ा होकर काम करा लीजिए। अपने प्रयास से हमने बहुत अच्छा करने का काम किया, अगल बगल पंचायत का जो है, अगल बगल पंचायत का भी है यहाँ पर, उसमें भी देख लिया जाए कि इस पंचायत में बनिस्पत बहुत अच्छा काम हुआ है। साथियों, एक चीज बता देना चाहते हैं कि आप लोग जितना साथ दीजिएगा आगे उतना विकास होगा, मनोबल ऊंचा रहेगा। और मैंने तपस्या किया है परिवार को छोड़ करके, पंचायत के लिए तपस्या किया है कि एक चीज कमी रहा है जिसमें शिक्षा का कमी रहा है, जिसमें सरकार भी कुछ दोषी है, सरकार के कारण और समाज के कारण दोनों दोषी, समाज भी दोषी है। शिक्षा कमेटी जब बनता है तो अच्छे लोगों को कमेटी में नहीं रखा जाता है, अच्छे लोग वहां पर जागरूक नहीं होकर के वहां पहुंच पाते हैं, जिसका बच्चा पढ़ता है वो डील नहीं कर पाता है, साइड से कोई बिचौलिया डील करने लगता है और बिचौलिया बन जाते हैं उस कमेटी में, इसलिए शिक्षा के विकास में कमी रहा है। लेकिन हर एक स्तर से, कोचिंग सेंटर से लेके तमाम व्यवस्था, हम इस बार आगे के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा में काम करना है और हर एक स्तर से उसमें एफर्ट लगाएंगे, सारे लोग सामाजिक लोग से भी सहयोग लेंगे, अलग से भी सरकार का जो व्यवस्था है उसका भी सहयोग लेंगे, और निश्चित रूप से मैं कलम को ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा, तलवार को नीचे रखूंगा। आप इस पंचायत के सम्मानित मतदाता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, मैं सत्ता के लिए अभी नहीं हूँ, मैं जनता के लिए हूँ, जनता चाहे मुझे जिता दे, जनता चाहे मुझे हरा दे, कोई कठिनाई नहीं, खुशी होगी हमें। और एक बात बता देना चाहते हैं, इस पंचायत में कोई टक्कर में नहीं है, भ्रम में कोई है, दहशत से दहशतगर्दी करके, दारू बांट के, पैसा बांट के और तलवार लहरा के रात के अंधेरे में कुख्यात बदमाश को लेकर के डराने धमकाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता मूड बना लिया है और कोई नहीं टक्कर में है, आधा से ज्यादा वोट मैं लूंगा, जनता मेरे साथ है। हमारे साथ मौजूद थे इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया सुमंत कुमार, इनकी पत्नी का कार्यकाल 1.5 साल रहा और इनका कार्यकाल 5 साल समाप्त हो चुका है, इस बार पुनः फिर
चुनावी मैदान में है। हम आपको गोधना पंचायत की भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे और साथ ही इनके कार्यकाल में विकास कार्य कितने हद तक रहा हुआ या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सीमित रहा, तो मैं उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। देखना है कि गोधना पंचायत में क्या यह पुनः फिर चुनावी मैदान में विजयी होकर आते हैं या गोधना पंचायत में परिवर्तन की लहर उठती है। तो हम आपको गोधना पंचायत की लगातार एक एक भौतिक स्थिति से अवगत कराएंगे। तो देखते रहे बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।